चुनावी सरगर्मियों के बीच आज असम पुलिस के साथ टीकमगढ़ पुलिस ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी से टीकमगढ़ विधानसभा उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह के घर दबिश दी है, जहां पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में उनके पुत्र शाश्वत सिंह बुंदेला से लंबी पूछताछ की। वहीं इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और यादवेंद्र सिंह समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। टीकमगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के घर पर असम पुलिस ने दबिश दी। ऐसे में अब चुनावी समय में हुई इस कार्यवाही को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी नजर आ रहा है, जहां लगभग 4 घंटे की पूछताछ के बाद असम पुलिस के इंस्पेक्टर उत्तम बोरे ने बताया कि ऑटोनोमस काउंसलिंग के नाम पर की गई 63 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सब्बरवाल इंडिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की शिकायत पर यह जांच की गई है। 2003 और अंदर सेक्शन आपका 120, 255, 256, 257, 259, 460, 406, 417, 419, 453, 465, 466, 467, 471, 472, 474, 506 और अदर एडर सेक्शन 72 ऑफ द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। इस सेक्शन में आपका 5 आरोपी के नाम पे केस दर्ज हुआ है। शाश्वत सिंह बुंदेला उसका नाम पे सार्स वारंट है। इसलिए फौजदारी का मामला ये है, असम में एक मोटोक ऑटोनोमस काउंसिल बोल के इसमें नया काउंसिल फॉर्म हुआ है। इस काउंसिल का कॉन्ट्रैक्ट के नाम में उस आरोपियों ने उसका कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में कॉम्प्लेनेंट से उस अमाउंट वो चीटिंग किया है 3 करोड़। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने पूछताछ की है, उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसे है कि हमें तो पहले से संभावना थी कि ये लोग इस तरीके की कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये अपेक्षा नहीं थी कि पुलिस असम की आएगी। हमको लगता था कि यहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या था ये पूरा हमें खुद नहीं मालूम कि क्या मामला था, लेकिन उन्होंने सारी सर्च कर ली, सारी जांच कर ली, उन्हें जो जो जरूरत थी डॉक्यूमेंट वो दे दिए गए। कोई पैसा वा बस पकड़ा नहीं गया है, कोई जो है कागज हमारे यहाँ पकड़ा नहीं गया है। पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो निकल उन्होंने एक सर्च वारंट दिया है कि वहाँ के मजिस्ट्रेट का एक सर्च वारंट है और उसके ऊपर हम लोग मतलब पूछताछ करने के लिए आए हैं। देखो है तो पॉलिटिकल है, ऐसे कैसे मान ले हम कि जो है हम कभी असम गए नहीं है, हमारे कोई परिवार का कोई असम गए नहीं है, तो कैसे हम लोग ये मान लें कि वहाँ पे हमने कोई अपराध कर दिया है, वहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई कर दी जिसके कारण जो ये मामला क्या बता रहे हैं। देखिए ऐसा है, पूरे मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की दमनकारी नीति चल रही है उसी के तहत ये टीकमगढ़ में हम देख रहे हैं। टीकमगढ़ जिले के कार्यकर्ता को कुछ भी पता नहीं कि क्या चल रहा है। इस प्रकार की जो दमनकारी नीति है ये सोची समझी रणनीति है, चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल को बिगाड़ने का ये काम किया जा रहा है। अब भी हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करी है और जैसी हमारी बात होती है तो हम फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को किसी को कुछ पता नहीं। देखिए इसके पहले भी कोई कार्रवाई हो सकती थी, चुनाव सिर पे है तो आज कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं है, सब गलत है। अगर ये चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लोग डर रहे हैं इस मामले से कि यादवेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है और इस प्रकार की इस कार्रवाई का एक एक कार्यकर्ता विरोध करेगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि टीकमगढ़ कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के लिए मुश्किलें आगे आने वाले समय में कम होने का नाम लेती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, टीकमगढ़।